हे दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि अपने फ़ोन के बैटरी बैकअप को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो गया पहले के कंपैरिजन में और आपको सही से बैकअप नहीं मिलता है, मतलब बैटरी हमेशा लो हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। आप चाहे कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बस इस वीडियो को अंत तक देखना यार। आपको एक एक स्टेप मैंने अच्छे से बताया है, बस अंत तक देखना यार। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घंटी बटन को दबा देंगे तो और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी, और इस वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी अपने फ़ोन के बैटरी बैकअप को इनक्रीज़ कर पाए, बढ़ा पाए। और कमेंट भी कर देनी है आपको कमेंट में, मतलब बेस्ट ट्रिक या फिर जो भी आपको अच्छा लगे ज़रूर कमेंट कर दें। अब चलिए फ़ोन की ओर चलते हैं। जैसे कि ये मेरा जो फ़ोन है Realme 2 Pro, इसमें मुझे कुछ बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम है और मुझे इसमें इंक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो अपने फ़ोन के सेटिंग में जाइए। अब जैसे देखिए कुछ कुछ फ़ोन है, जैसे ये पोको फ़ोन है, MI का है, तो इसमें अलग टाइप का सेटिंग मिलता है, लेकिन सब फ़ोन में सेटिंग रहता है हिडन, तो आपको उसे एक्टिवेट कर देना है। तो जैसे कि मुझे इस फ़ोन में मिलता है यहाँ पे बैटरी एंड परफॉर्मेंस, जबकि रियलमी में मुझे दूसरे टाइप का मिला। तो आपको इस तरह से नॉर्मली सबसे पहला स्टेप जो करना है, ये तो ज़रूरी है ही, इसे आपको कर देना है। जैसे यूज एडेप्टिव बैटरी है पोको में, तो मैंने उसे ऑन कर दिया, और इस तरह से आपके रियलमी में जो आपको मिलता है सेव और बैटरी ट्रिक, उसे आपको ऑन कर देना है। जैसे पावर सेविंग इसमें मिल गया और स्लीपिंग मोड भी था, तो उसे भी ऑन कर दें, ताकि फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फ़ोन ऑटोमेटिकली मैनेज करके रखे बैटरी को। इस तरह से स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, इसे भी, ये जैसे ऑफ है तो इसे आप बैलेंस मोड भी कर सकते हो, या तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ताकि फ़ोन अच्छे से मेंटेन रख कर पाए। तो ये तो हमारा सेटिंग था ही ज़रूरी, जो कि हमें करना था। तो एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया, तो फ़ोन के अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए बैटरी कंजप्शन डिटेल वगैरह मिल गया कि किस ऐप ने कितना बैटरी कंज्यूम किया, तो उस हिसाब से आप उस ऐप को फोर्स स्टॉप करके भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग की ओर चलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें एडिशनल सेटिंग है, तो एडिशनल सेटिंग में जाना है। और भी दूसरे ब्रांड के फ़ोन होते हैं तो उसमें आपको दूसरे जगह पर मिलेगा, रियलमी है तो एडिशनल सेटिंग में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए डेवलपर ऑप्शन, तो आपको डेवलपर ऑप्शन फाइंड करना है अपने सभी फ़ोन में, जो भी फ़ोन है आपके पास। तो आपको सबसे पहले इस तरह से नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और अच्छे से सेटिंग फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं, इसमें से आपको किसी को भी नहीं ऑन करना है। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं डोंट कीप एक्टिविटीज, जैसे कि ये है यहाँ पे, इसे आपको ऑन कर देनी है। और आपको मिलेगा और भी बहुत सारे, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट मिलेगा, तो उसे भी आपको चेंज कर देना है, जैसे एक या दो पे रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बैलेंस मोड, जैसे इसमें बहुत फ़ोन में रहता है स्टैंडर्ड लिमिट, तो स्टैंडर्ड लिमिट में मत रखें, क्योंकि और भी ऐप जो है बैकग्राउंड में रन करता है तो आपका बैटरी जो है ख़त्म होता है इसी कारण से। तो आपको ये सेटिंग ऑन करना है। आपने तो ये सेटिंग कर लिया, बट और भी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, तो इस सेटिंग को और भी लोगों के साथ भेज दें, ताकि और भी लोग जान पाए और वो भी अपने फ़ोन के बैटरी को अल्टीमेट तरीके से यूज़ कर पाएंगे। वैसे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे मेरा नाम संदीप है, मैं आपसे मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमें टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा @TechDroidHindi। थैंक्स फॉर वॉचिंग।